फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं श्वेता और आप सबको मेरे चैनल पे वेलकम। आज कुछ खास है, मतलब उनके कोई दोस्त आने वाला है घर पे, इसलिए कुछ दोस्त आने वाले हैं उनके वाइफ्स के साथ, इसीलिए उन्हें लंच पे इनवाइट कर लिया। तो आज मैं स्टोर पर नहीं जाऊंगी, घर पे ही रहूंगी। इसीलिए मैंने सोचा मैं आज लंच मतलब सिंपल बनाने वाली हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ राइस सलाद, बिरयानी राइस सलाद एंड चिकन मसाला। और उनके दोस्तों ने बोला कि ज़्यादा तामझाम मत करो, हम जाएंगे बस बातें करेंगे, खाएंगे पीएंगे, मिलना जुलना बड़ी बात है, खाना पीना नहीं। तो मैंने भी सोचा इतनी गर्मी है चलेगा, तो सिर्फ सिंपल इतना ही बनाया है। तो वो सब जब आएंगे मैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड करूँगी। मुझे नहीं लगता वो सब अगर होंगे तो मैं वीडियो ब्लॉग बना पाऊँगी, क्योंकि वो मतलब मैं उस वक्त वीडियो बनाना है ये सब मैं नहीं सोचना चाहती, सिर्फ अपना अच्छे वाले मोमेंट्स उन दोस्तों के साथ एंजॉय करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं आपको आज मेरा लंच व्लॉग आपसे शेयर करती हूँ। चलिए मैं कैसे बनाती हूँ आप भी देखिए। चिकन मसाला के लिए मैंने चिकन लिया है, हाफ किलो चिकन, हाफ किलो ऑनियन, थोड़ा सा पोटैटो, ओनली 2 टमाटर और 2 ग्रीन चिल्ली और तेज़पत्ता, दालचीनी, चिकन मसाला, अदरक लहसुन पेस्ट, टर्मरिक पाउडर एंड रेड चिल्ली पाउडर। और मैंने बिरयानी राइस के लिए लिया है तेज़पत्ता, दालचीनी और ये इलायची। मैंने चावल को आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया है, अब हम इसे मैरिनेट करेंगे टर्मरिक पाउडर और रेड चिल्ली पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, बस इतना सा ही। अभी सबको मिक्स करके मैं 10 से 15 मिनट के लिए रख दूंगी। ऑनियन टमाटर फ्राई होने पहले मैं कुकर में इलायची और दालचीनी डालूंगी, उसके बाद ऑनियन के बाद टमाटर, थोड़ा सा फ्राई होने के बाद ये मैरिनेटेड चिकन एंड पोटैटोस ऐड करूंगी। इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। चिकन मसाला मैं आखिर में ऐड करूंगी और नमक भी तभी ऐड करूंगी। मैंने बासमती राइस को आधे घंटे के लिए भिगो कर फिर उसमें पानी डालकर रख दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी दालचीनी, तेज़पत्ता और इलायची। आप लोग चाहें तो इसे क्लॉथ में गठली बांध कर भी डाल सकते हैं। करूंगी नमक, हमारे यहाँ कोई गेस्ट आने वाले इसीलिए आज ये स्पेशल आइटम बन रहा है, बस एक नमक, इससे चावल खिला खिला बनेगा और चावल में जो एक मतलब कुछ स्वाद जैसा नहीं होता इससे वो आएगा। और मैं आज कुछ लेयर बिरयानी वगैरह नहीं बनाने वाली, ओनली बिरयानी राइस बना रही हूँ चिकन मसाले के साथ खाने के लिए। दूध उबाल रही थी, दूध गिर गया, इसीलिए सर्व गिरा हुआ है। हम इस तरह कुकर बिठा चढ़ दिया है चिकन मसाला बनाने के लिए। कुकर में थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल दिया है क्योंकि चिकन आलू पोटैटो वगैरह फ्राई होगा। अभी थोड़ा डाला है, अगर चाहिए तो मैं बाद में फिर से डाल सकती हूँ। तेल अभी गर्म हो चुका है, मैं इसमें ऐड करूँगी दालचीनी और तेज़पत्ता। थोड़ा सा होने के बाद मैं फिर से इसमें ऐड करूँगी ऑनियंस।
ये एक ऐसी रेसिपी है जो कि जिसमें कोई ज़्यादा तामझाम नहीं, मसाला वगैरह कुछ पीसने की ज़रूरत भी नहीं। आप अगर आप बिज़ी हो, मतलब कुछ जल्दबाजी में कोई गेस्ट वगैरह आने वाले हो, अगर आप बनाना चाहें तब भी ये जल्दी से बन जाता है। मतलब आप बनने के बाद देखेंगे कैसा मतलब रेस्टोरेंट दिखाएगा। फिर ऐड करूंगी ग्रीन चिली, अनियन थोड़ा सा फ्राई हो चुका है, अब ऐड करूंगी टमाटर। ये जो करी है हम अब तो मैं बिरयानी राइस के साथ ही खाने वाले हैं, पर आप चाहे तो इसे मैं थोड़ा ग्रेवी बनाने वाली हूँ। इसे थोड़ा सा ड्राई करके बिरयानी राइस के साथ लेयर देकर बिरयानी भी, दम बिरयानी भी बना सकते हैं। उस साइड थोड़ा लो फ्लेम था इसीलिए मैं हाई फ्लेम की तरफ लेकर आ गई कुकर को, क्योंकि चिकन हाई फ्लेम में फ्राई होगा तो उसका टेस्ट कुछ अलग ही आता है। मैं इसमें अब ऐड करूँगी चिकन ऐड करूँगी। मैं पोटैटोस को ऐड करने वाली हूँ। पोटैटोस के ऐड करके मैं इसे दो सीटियाँ दे दूँगी, उसके बाद इसे मैं अच्छी तरह से इसमें नमक ऐड करके अभी सीटी दे दूँगी। उसके सीटी जाने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई करके उसके बाद पानी डाल के और चिकन मसाला डाल के ग्रेवी बनाऊँगी। मैंने कुकर को चेंज कर दिया है क्योंकि वो मैंने थोड़ा सा बहुत अच्छा काम कर दिया, नीचे की तरफ से थोड़ा सा मतलब मिक्स करने में लेट हो गया, तो इसीलिए अब राइस भी बॉयल हो चुका है। पता नहीं हमारे गेस्ट्स को आज की ये रेसिपी पसंद आए या ना आए, आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। दो सीटियाँ आने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ मैं। नहीं, अब ये सारी ग्रेवी को मुझे फ्राई करना होगा। चिकन मसाला ऐड कर दिया है, अब मैं इसे 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। वो पूरा ड्राई होने के बाद उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ग्रेवी बना दिया। ये देखिए तेल अच्छे से गर्म है, इसमें थोड़ा सा रेड चिली ऐड कर दूँगी हूँ। अब मैं इसे सीधा ऐड कर दूँगी करी पे। देखिए आया ना लुक रेस्टोरेंट जैसा। बस नहीं, बस सिंपल सा एक सलवार कुर्ती पहनेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं, गर्मी में क्या फ्रेश ना होना। तो बाय, मैं आपसे फिर एक नए ब्लॉग में मिलूँगी। और अगर आज का मेरा ये लंच आपको अच्छा लगे, बना के चखिएगा, टेस्ट करिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि टेस्ट हुआ है कि नहीं। तो टेस्ट लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अरे सब्सक्रिप्शन फ्री है यार, सब्सक्राइब करने में क्या पैसे लगते हैं? नहीं, इस लोगों को गलत फहमी होती है कि सब्सक्राइब करने से पैसे लगते हैं। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ, सब्सक्रिप्शन पूरी तरह फ्री। ये ऑफर
मेरी तरफ से हमेशा के लिए है।